रहीम अस्सलाम वालेकुम सुहेल खान अपने नए वी के साथ आपके सामने हाजिर है सबसे बड़ी ख़बर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तीन बड़ी अहम खबरें हैं आज 28 अक्टूबर को फुल कोर्ट इजलास था नए चीफ जस्टिस जस्टिस याया अफरीदी की सरबराई में उस इजलास में जो कुछ हुआ वो अभी उनकी डिटेल आ रही है क्योंकि ये इन कैमरा इजलास था लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तीन अहम दरखें दायर हुई हैं और ये दरख्वास्तें जो हैं बड़ी अहमियत के हामिल हैं अहमियत के इसलिए हामिल है कि सबक चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फ़ाइज ईसा पच्चीस अक्टूबर को रिटायर हो गए हैं वो रुखसत हो गए हैं और उनके बाद न सिर्फ पूरी कौम को एक उम्मीदें वस्स्ता हो गई हैं पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट से बल्कि पाकिस्तान तरिक इंसाफ के लिए भी कुछ उम्मीदें वस्स्ता हो गई हैं और आज इस सिलसिले में उन्होंने एक अहम दरख्वास दायर की है इसी तरह आप तीन दरख्वास्तें और भी दायर हुई हैं जो अभी जो गुज्त जो हाल ही में ज छब्बीसवीं आयनी तरामीम की गई हैं जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इख्तियार सर्ब कर दिया गया हैकूमत वक्त ने अपने तमाम इख्तियार अपने कंट्रोल में लिए हैं उसके खिलाफ भी कुछ तीन दरख्वास्तें दायर हुई हैं ये दरखास्तें क्या हैं कि दायर की हैं ये तफसील से आपके साथ इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे लेकिन नए देखने वाले नाजरन से मेरे अल्तम से कि वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन के बटन को दब तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानब आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की तवस्त से एक अहम दरखास्त दायर की है की दरखास्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ की खातिन विंग के सदर कंवल शाहजेब ने पाकिस्तान इंसाफ के सीनियर वकील बैरिस्टर सलमान अक्रम राजा के तहत दायर की है और उन्होंने बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ पाकिस्तान से इस्तदा की है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और उनके साथ चारों इलेक्शन कमीशन के मंबरान उनके ख़िलाफ़ तोहनी अदालत की कार्रवाई का आगाज़ किया जाए और उनको ये हिदायत की जाए कि जल्द अज़ जल्द पाकिस्तान तरीकानसाफ के, के हवाले से जो फ़ैसला आया था बारह जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के आठ जजों ने जो अक्सरीती फ़ैसला दिया था जिसमें उन्होंने फैसले में ये करार दिया था कि पाकिस्तान तरीकानसाफ को ख़ी की और अकलीतों की जो मखसूस नशितें कौमी और सूबाई इसम्बली में वो पाकिस्तान तरीकानसाफ को दी जाएं तो ये दरख्वास बड़ी अहमियत की हामिल है इस दरखास्त में उन्होंने अब बाकायदा तौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के और चार मेंबरान के खिलाफ तोह ने अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्त की है ये दरखास्त इसलिए अहमियत के हामिल है कि इस दरख्वास में बाकायदा तौर पर सलमान अक्रम राजा ने इस बात का जिक्र किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ पाकिस्तान के बारह जुलाई के तारीख़ी फैसले जो एक अक्सरियती फैसला था तेरह रुकनी बेंच ने उनमें से आठ जजों ने अक्सरीती फैसला दिया था और पाकिस्तान तरीक इंसाफ को ये उन्होंने मखसूस नशस्तें जो कौमी इसम्बली और सूबाई इसम्बली में जितनी भी मखसूस हैं खी की और गैर मुस्लिमों की वो बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस अक्सरीती फैसले ने एक ऑर्डर जारी किया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को यह हिदायत की थी कि वो ये तमाम मखसूस नशितें पाकिस्तान तरीके इंसाफ को दी जाए उस अदालत के ऑर्डर में खास तौर पर यह कहा गया था कि पाकिस्तान इंसाफ एक पार्लिमानी जुमात थी और है लिहाजा वो इन तमाम मखसूस नशितों की हक़दार है उनके लिए एलिजिबिलिटी उनकी है वो हक़दार है तो लिहाजा वो नशितें इनको दी जाएँ लेकिन जुलाई के बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तकरीबन चार महीने हुए हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस पर अभी तक अमल दरामद नहीं किया इस ऑर्डर के बाद फिर कौमी इसम्बली ने एक कानून पास किया एक लेजिस्लेशन की और उस इलेक्शन एक्ट में तरमीम की थी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से भी रुझू किया था और जब 12 जुलाई का जब फैसला आया तो उस वक्त भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था क्योंकि अपने अक्सरीत फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन को दर हिदायत की थी कि अगर उनको किसी किस्म की भी कन्फ्यूजन हो इसमें कुछ उनको चीज़ें क्लियर नहीं हो तो लिहाजा वो आ, अदालत से रजू कर सकते हैं उन आठ जज साहिबान को उनके चैम्बर में बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक दरख्वा दायर की थी और उस दरखास्त में ये कहा गया था कि चूंकि कोर्ट का ये आर्डर आया है लेकिन इस हवाले से उनको कन्फ्यूजन इसलिए कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के ढांचे का कुछ पता ही नहीं चलता कि क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ का कोई वजूद है या नहीं तो लिहाजा उनको सुप्रीम कोर्ट को उस कहा गया था कि उनके इस फैसले पर उनको कुछ दुशारी पेश आ रही है तो उस पर फिर पाकिस्तान तरीक़ानसाफ ने भी उसमें एक दरख्वा दायर की थी और तमाम वो बाकायदा तौर पर तमाम वो जो है एविडेंस और सारे जो सबूत फराम किए थे अदालत को कि ये किस तरह कह रही है कि हमारे कोई स्ट्रक्चर नहीं था उस दरख्वास में पाकिस्तान इंसाफ ने बाकायदा एक एक दिन का हवाला दिया था कि किस तरह उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदों से उनसे कॉरस्पोंडेंस की थी ख़त व खिबत की थी तो लिहाजा एलेक्शन कमीशन का ये दावा कि पाकिस्तान तरीक का कोई स्ट्रक्चर कोई ढांचा ही नहीं था उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के इन आठ जज साहिबान ने बाकायदा तौर पर आर्डर जारी किया तो और सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन आपको ये वाजे हिदायत की थी कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर जो है आइन के आर्टिकल 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट का आर्डर जो है तमाम इदारों पर जो है वो पाबंद है कि वो इसकी आर्डर की पैरवी करें इस आर्डर पर अमल दरामद करें और साथ ही साथ ये भी किया कहा था कि अगर इलेक्शन कमीशन इस तरह की आइनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता तो उनको फिर नतज भुगतने पड़ेंगे बाद में जब ये इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई तो दोबारा दरखास्त आई और उस दरखास्त के बाद भी आ, उन आठ जज साबान साहिबान ने एक वजाहत जारी की थी और उन्होंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये बात बिल्कुल गलत है और लिहाजा उन्होंने ये कहा था कि ये हमारा जो जजमेंट है यानी बारह जुलाई का जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन को हर सूरत में इस पर अमल दरामद करना होगा लेकिन आज चूँकि फिर जस्टिस काजी फायज़ ईसा इस साहब चूँकि अब रिटायर हो चुके हैं तो लिहाजा अब उन्होंने पाकिस्तान तरीकानसाफ़ अदालत से रजू किया है आज ये तोहही अदालत की दरख्वा दायर की गई है और उसमें बाकायदा की गई कि बारह जुलाई का फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है लेकिन अभी तक इलेक्शन ने उस पर जो है अमल दरामद नहीं किया तो लिहाजा चीफ इलेक्शन सिकंदर सुल्तान राजनी अदाल मतखब हुए तो लिहाजा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए तोहही अदालत के कानून के तहत और साथ ही साथ यह भी इस्ता की है सलमान अक्रम राजा ने अपनी इस दरख्वास में इलेक्शन कमीशन को बाकायदा तौर पर दोबारा

खौफनाक और जो है फैसला था जिसमें पाकिस्तान इंसाफ से उनके बल्ले का निशान छीना गया था और वो फैसला जो है वो सबक चीफ जस्टिस काजी जस फ़ायज़ ईसा ने दिया था जो कि बहुत ही खौफनाक फैसला था और उसके बाद पाकिस्तान इंसाफ ने नरसानी की दरख्वास दायर की थी लेकिन काजी फ़ायज सी सबक चीफ जस्टिस ने उनको काफ़ी देर के बाद जब टेकअप किया तो उस दरख्वास में फिर उनके वकील पाकिस्तान तरीकानसाफ के वकील हामिद खान ने कोर्ट्स के सामने पेश होते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सबक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसी के मुंह पे कह दिया कि जनाब आप एक तसब वाले जज हैं लिहाजा हम आपके हम नहीं चाहते कि आप हमारा ये नज़रसानी की दरख्वात सुने और इस नज़रसानी की दरख्वास यानी तेरह जनवरी के उस बल्ले के निशान वाले फैसले के खिलाफ हामिद खान ने कहा था कि एक पांच रुकनी लार्जर बेंच बनाया जाए लेकिन सबक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसी ने उनकी ये दरख्त रद्द की थी और उसके बाद फिर हामिद खान ने हम यह जो हैं हम इसको फिर नहीं प्रसू करना चाहते क्योंकि आप एक मुतासिब एक बाइस जज हैं और हम आपके सामने ये आर्गमेंट नहीं दे सकते लिहाजा और आप भी इस अहल नहीं है कि इस केस की समाप्त करें क्योंकि आप ही ने अपना बोझ इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान तरीके के खिलाफ बोगज इस्तेमाल करते हुए आपने यह फैसला दिया है तो लिहाजा आप यह नजरसानी की दरखास्त नहीं सुन सकते तो बाद में हामिद खान साहब ने अपनी दरखास्त जो है वह विड्रा की थी वापस ले ली थी क्योंकि लेकिन अब चूंकि आजीफा चले गए हैं तो अब एक नई न सिर्फ कौम को एक उम्मीदें वाबस्ता हो गई हैं, नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस अफरीदी से और उन तमाम आठ जज साहबान बारह तेरह जज साहबान जो इस वक्त आइन की पासदारी के लिए कर डट कर खड़े हैं और बाजमीर जज साहिबान हैं तो लिहाजा अब यह देखना होगा कि यह जो तोहनी अदालत की दरखास्त आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने दायर की है वो इसको कब सुना जाएगा इसको कब टे अप किया जाएगा और कौन सा बेंच इसको सुनेगा यह बड़ी अहमियत का हामिल है दूसरी जो आपसे मैंने बात करनी थी कि आज तीन अशासदा तौर पर छब्बीसवीं आइनी तरमीम को चैलेंज किया है उसमें एक आबिद हैं सबक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन उन्होंने भी इसको चैलेंज किया कि यह छब्बीसवीं आईनी तरम है यह चूंकि बुनियादी आइन के बुनियादी स्ट्रक्चर ढांचे के खिलाफ है और अदलिया की आजादी के खिलाफ है तो लिहाजा यह जो छब्बीसवीं आईनी तरमी मंजूर कराई गई है इसको कालदम करार दिया जाए साथ ही साथ दो दरखास्तें और भी आई हैं एक बलुचिस्तान बार कौंसल ने और एक हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने दो दरखाते जमा कराई हैं छब्बीसवीं आइनी तरमीम को चैलेंज किया है इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और उन्होंने भी यह इसदा की है कि जो छब्बीसवीं आयनी जो पास की गई हैं इनको पाकिस्तान के आइन के खिलाफ करार दिया जाए इनको सेटसाइड करार दिया जाए इनको पाकिस्तान की अदली के के अदलिया खिलाफ करार दिया जाए और यह बुनियादी इंसानी हकूक की भी खिलाफ वर्जी है तो यह इस की हैं तो अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तीन चार दरख्वास्तें पहले भी दायर हुई हैं छब्बीसवीं आइनी तरमीम को उसमें चैलेंज किया गया तो अब देखना ये होगा कि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी इन दरखास्तों को खसूस तौर पर पाकिस्तान तरीके साफ किए तो इन्हीं अदालत की दरख्वास्त इसको कब टेकअप करेंगे कौन से बेंच के सामने लगाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा एक और प्रोग्राम में दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए खुदाफ़ पाकिस्तान जिंदाबाद